चक्रवाती तूफान असना ने गुजरात के कच्छ तट पर अपेक्षित प्रभाव नहीं डाला और अरब सागर में ओमान की ओर बढ़ गया है। कच्छ के जिलाधिकारी अमित अरोड़ा के अनुसार स्थानीय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लगभग 3,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, जिनमें झोपड़ियों और कच्चे मकानों में रहने वाले लोग शामिल हैं। अरोड़ा ने जानकारी दी, चक्रवात अब समुद्र की ओर बढ़ चुका है और ओमान की ओर जा रहा है, इसलिए तट पर इसका प्रभाव सीमित रहा। केवल कुछ बारिश और तेज हवाएं चली हैं। फिलहाल किसी के घायल होने या मौत होने की सूचना नहीं है और किसी बड़ी संरचना के ढहने की भी खबर नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार शाम को बताया कि कच्छ तट और पाकिस्तान के समीपवर्ती क्षेत्रों पर बने गहरे दबाव ने चक्रवाती तूफान असना का रूप ले लिया है। यह तूफान भुज से लगभग 190 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में केंद्रित है। IMD ने पहले ही चेतावनी दी थी कि गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके बाद कच्छ के जिलाधिकारी अरोड़ा ने अबडासा, मांडवी और लखपत तालुका में रहने वालों को अपनी झोपड़ियों और कच्चे घरों को छोड़कर स्कूल या अन्य सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बृहस्पतिवार रात को गांधीनगर में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का दौरा किया और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरोड़ा से जिला प्रशासन की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अगर गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात में परिवर्तित होता है तो इसका नाम असना रखा जाएगा, जो पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया नाम है। यह घटना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जमीन पर बने गहरे दबाव का समुद्र में चक्रवाती तूफान में बदलना और अगस्त महीने में अरब सागर में चक्रवात का बनना दुर्लभ है। IMD ने चेतावनी दी थी कि इस दौरान समुद्र की स्थिति खराब रहेगी, ऊंची लहरें उठेंगी और गुजरात तट पर हवा की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।